हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। हमारे कुछ फ्रेंड ने हमसे एक एक्सेल शीट मांगी थी। उन्होंने बोला था कि हमें प्राइम कोड और टेक कोड का जो स्प्रेड रेट टेस्ट होता है, प्राइम कोड और टेक कोड को अप्लाई करते हैं आप, तो अप्लाई करने का क्या रेट है, उस रेट को टेस्ट करने के लिए एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। तो वो एक्सेल शीट फ्रेंड आज मैं इस वीडियो की हेल्प से आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो पहले थोड़े सा ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, और फिर इसको डाउनलोड कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड एक्सेल शीट में हमने सबसे पहले जो हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है वही हमें लिख रखी है, ठीक है। इस प्रकार जनरल इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिएगा। जो डाटा टेबल में जो मेन जानकारी है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले आपका लोकेशन रहेगा, ठीक है। लोकेशन लेफ्ट सेंटर या राइट क्या है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है यूनिट बिट ऑफ प्राइम कोड, ठीक है। यूनिट बिट ऑफ प्राइम कोड फ्रेंड जनरली हम नहीं निकालते हैं, लेकिन अगर प्राइम कोड आपका, कई बार क्या होता है आपका प्राइम कोड थिक हो सकता है, या इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो प्राइम कोड है उसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, इसलिए आपको उसका यूनिट वेट जरूर निकालना होता है। और इस एक्सेल शीट में मैंने इसको येलो सेल येलो हाईलाइट कर रखा है। इसका मतलब ये है कि आप यूनिट वेट को आप चाहें तो चेंज कर लीजिएगा अगर आपने निकाला है, तो नहीं चाहते तो आप इसको 1 भी मान सकते हैं, या जो भी मैंने फिगर 1.01 ले रखा है इसी से आप आगे कंटिन्यू कैलकुलेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल में है वेट ऑफ ट्रे, ये फिक्स है हमारा वेट ऑफ ट्रे 350 ग्राम जनरली रहता है। चाहे तो आपके पास कोई ट्रे है तो इसको चेंज कर लीजिए, अगर नहीं चाहते तो आप 350 इसको रहने दीजिएगा। नेक्स्ट है वेट ऑफ ट्रे प्लस इमल्सन, ठीक है। आपने जो ट्रे रखा है प्राइम कोट के स्प्रेड टेस्ट करने के लिए, आप जो ट्रे रखेंगे आपके बिटुमेन स्प्रेयर के नीचे, उसका जो वेट ऑफ ट्रे प्लस इमल्सन, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसमें फार्मूला फीड है। फिर है आपका वेट ऑफ इमल्सन, ठीक है। वेट ऑफ इमल्सन आपका फ्रेंड प्राइम कोट है या टेक कोट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर इसको येलो सेल कर दिया है, ठीक है। येलो से कर दिया तो इसका वेट आप आपके जो भी ऑब्जर्वेशन उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे हम अगर 11.7 अभी हमारा प्रेजेंट कंडीशन में है, ठीक है, और अगर इसको हम चेंज करते हैं 11.7 के लिए हमारा जो रेट ऑफ स्प्रे आ रहा है वो आ रहा है 20.292। अब इसको हम कम ज़्यादा करके देखते हैं तो ये कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। एलेवन पॉइंट सेवन को हम कर लेते हैं 11.5, ठीक है। तो 11.5 में ये हो जाएगा हमारा 0.2875, ठीक है। फिर है एरिया ऑफ ट्रे, एरिया ऑफ ट्रे जो स्टैंडर्ड है फ्रेंड 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर का ट्रे के साथ स्टैंडर्ड होता है, इसलिए आपको इसको चेंज नहीं करना है। अगर आपकी एक्सपेक्शनल केस में ट्रे आपका साइज अलग है तो आप इसको आप चेंज कर लीजिए, अन्यथा इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने जो येलो हाईलाइट कर रखा सिर्फ वही फिगर आपको चेंज करने हैं, ठीक है। रेट ऑफ स्प्रे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके दीजिएगा। रेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, देखिए रेट ऑफ स्प्रे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। फिर रेट ऑफ एप्लीकेशन आपके यूनिट वेट के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपको इसको अगली सेल में ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। एवरेज वैल्यू आपकी तीनों की एवरेज वैल्यू निकाल देंगे। फिर है परमिसेबल रेंज, परमिसेबल रेंज क्या है प्राइम कोड या टेक कोड के लिए वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे प्राइम कोड के लिए 0.2 से लेकर 0.3 परमिसेबल रेंज होती है, तो ये आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग जो आपकी परमिसेबल रेंज दी हुई है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो दो वैल्यू आपको चेंज करनी वो करना है यूनिट वेट ऑफ प्राइम कोड और वेट ऑफ इमल्सन, कितना इमल्सन आपके ट्रे में आया है वो आपको वेट इसमें फीड करना है, बाकी कैलकुलेशन एक्सेल शीट में आपको ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक फ्रेंड। तो इसको डाउनलोड करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।